Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Hashim Mahmood Pigeon. ये न्यू बच्चों की ट्रेनिंग की वीडियो है. तो ये मैंने 10 बच्चे छोड़े हुए हैं. इस टाइम जार बिल्कुल खाली है. 10 बच्चे छोड़े हैं मैंने, जिनको मैं तीसरा दिन ना बाहर निकाल रहा हूँ. पहले दिन जो है मैं आपको तरतीब बता देता हूँ मैंने किस तरतीब के साथ जो है इनको ट्रेन किया है. और अब ये जाल के ऊपर सीधा बैठते हैं. पहले दिन जो है मैंने इनके चार पार बांध के जो है इनको बाहर छोड़ा. पहले तो ये अंदर ही बच्चे निकले क्योंकि और जाल के अंदर ही रहे. जब ये दो दो कलियों के हो गए, तीन तीन कलियों के, तो फिर मैंने यहाँ से इनको बाहर निकाला. और पहले दिन जो है मैंने इनकी तीन कलियाँ बांध दी, चार कलियाँ पहले दिन बांध दी, चार कलियाँ बांध दी. तो ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल उड़ते थे और उड़ के जो है बस बमुश्किल जो है जाल के साथ चिमड़ के या ऊपर उड़ के मुश्किल से जाल पे जाके बैठ के, ठीक है. अगले दिन जो है मैंने इनकी तीन कलियां कर दी, पहली चार की बजाय मैंने तीन कर दी ताकि थोड़ा और इजी हो के ये ऊपर जाके बैठे. तो ये देखें ये अब उड़ने लग गए हैं. अगले दिन मैंने तीन कलियां कर दी. तो तीन कलियों के साथ ये और देख सकते हैं आप ये कैसे उड़ रहे हैं. एक बच्चा वो उड़ गया, नया बच्चा बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही उड़ा आज. तो ये देखें ये जहाँ से उड़ा उधर ही आके बैठ गए. तो ये देखें ये सियाने भी काफी हैं माशाल्लाह से. तो इस तरह ये बच्चे जो हैं ये ट्रेन कर रहा हूँ मैं लेके इनको, ऐसा ऐसा चल रहा हूँ. आज तीन कलियां कर दी, आज इनको तीसरा दिन है बाहर निकाला हुआ है. तो आज मैं इनके साथ हल्की सी छेड़खानी भी करूंगा, इनको थोड़ा सा जो है आसमान दिखाने की भी कोशिश करूंगा इन बंधे हुए परों में. क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि जब बंधे हुए परों के साथ मैं इनको उड़ाऊंगा तो ये उड़ेंगे ज्यादा ऊंचा नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से इनके जाया होने का खतरा कम होगा. ये उड़ेंगे दो दो तीन तीन चक्कर मैक्सिमम लगाएंगे, कोई चार लगाएगा तो बैठ जाएंगे. तो इनको उड़ने का थोड़ा सा घर में उड़ के बैठने का अंदाजा होगा. तो अभी वो उसकी ट्राई करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है. अभी मैं इनको जो थोड़ा सा उड़ाता हूँ, उड़ा के जो है आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा उड़ते हैं और क्या रिजल्ट देते हैं. तो अभी इनको उड़ाया तो एक ये उड़ गया है, एक वो बड़ा कबूतर साथ में उड़ा है. और ये बच्चा जो है ये उड़ नहीं रहे अभी, ये जाल के साथ ही चिपके हुए हैं. ये उनको कोशिश करता हूँ उड़ाने की, अगर तो ये उड़ पड़े तो. ये अभी उड़ नहीं रहे, ये बिल्कुल मतलब कि वो अभी इनको उड़ने का पता नहीं है कि कैसे उड़ना है इन्होंने. तो इनको थोड़ा सा जो मैं डराता हूँ आगे कोई चीज लगा के शापर वगैरह, फिर ये उड़ेंगे उम्मीद है. ठीक है ना, अभी बिल्कुल वो डंडे से डर ही नहीं रहे इनको. अभी मैं थोड़ा सा किसी चीज से डरा के उड़ाता हूँ. सारे बच्चों को मैंने उड़ा दिया, ये देखें ये उड़ रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर. एक ये बैठ भी गया, ये दूसरा भी बैठ गया, एक वो निकल गया ऊपर को, ये आया एक. 10 बच्चे हैं, थोड़े ही उड़ाए हैं तो आगे गिनती करने में भी आसानी हो. ये देखिए दो ये उड़ रहे हैं, तीन है ये, ठीक है तीन बैठ गए हैं और ऊपर अभी सात हैं, एक ये उड़ रहा है. तो इस तरीके से जो है इनकी ट्रेनिंग वगैरह जो है हमने शुरू किया. खाली जाल है अभी, मैं नीचे से खोल दिया. अब तो एक ही आके बैठ रहा है, बैठा नहीं है, उसे बैठा नहीं है, एक ये आ रहा है. तो इस तरह ये ट्रेन होंगे. अगर हम ये इनका उड़ाने का रिस्क लेंगे तो ये ट्रेन होंगे. एक वो पीछे भी आके बैठ गया, चार हो गए हैं, ठीक है. इस तरह ये ट्रेन होंगे इनका. अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो ये ट्रेन भी नहीं होंगे. ये पांच हो गए हैं, छह हो गए हैं, इस टाइम छह बैठ चुके हैं, चार ऊपर हैं जिनमें से एक दो और तीन, तीन तो इस टाइम मुझे नजर आ रहे हैं. और बीच में से एक नजर नहीं आ रहा, वो भी देख लेंगे किधर बैठा है. अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, देख लेंगे. एक बच्चा वो पीछे को देखें, वो उड़ रहा है. तो वो पीछे से जाल से भी उसको जो है छेड़े वगैरह लग रही हैं. ये देखें ये जा रहा है बच्चा, ये सूरज के सामने आ गया, ये उड़ रहा है. ये अभी पहली दफा ही उड़ा है, सारे बच्चे पहली दफा उड़े हैं आज. पहली दफा ही मैंने उड़ाए हैं और मैंने उड़ा दिए निकाल के. क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो भाई ये पक्के भी नहीं होंगे. कोई बच्चा चले भी जाएंगे यकीनन जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो अगली फिरतों में चले जाएंगे. कोई ना कोई जाया तो हो ही जाता है कबूतर, ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है. कबूतर का जाया होने का कोई टेंशन नहीं आपने लेनी, कबूतर जाने की चीज है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी अगर चला भी जाएगा कबूतर. तो ये बच्चा बहुत प्यारा उड़ा है, पहली दफा ही उड़ा है और आज बहुत प्यारा उड़ा. अभी आके बैठता तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो वो बच्चा ये आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल ये साथ साथ ये जाल के ऊपर बिल्कुल आ गया और ये जाल के साथ से निकल गया. इसको अभी बैठना नहीं आ रहा. और एक जो बच्चा मैं आपको कह था काम में, वो सामने छत पे बैठा, वो आपको मैं चलो बाद में दिखाता हूँ. पहले इस बच्चे का देख लेंगे, उधर जाल पे ना बैठ जाए कहीं, पहली दफा उड़ा हुआ. ये आ रहा है, ये जाल पे चढ़ने लगा, बैठने लगा. ये बैठने की फुल ट्राई है इसकी और इससे ये बैठा ही नहीं गया.
ठीक है, तो ऐसा भी करते हैं बच्चे, अभी इनकी पहली तीन कलियां मैंने बांधी हुई है जो आपको मैं बताया था, वजह वही है कि बस ये ज्यादा ना दूर तक ना जाएं, थोड़ा थोड़ा ही उड़ें। ये आ गया, ये बैठ रहा है, इसे बैठना देखिए इसे आ नहीं रहा, ये पहली दफा क्योंकि उड़ा, इसे बैठना ही नहीं आ रहा। ये छत पे और वो छत पे बैठते बैठते निकल गए, वो बैठ गया, ठीक है, वो सामने छत पे बैठ गया क्योंकि अभी उनको उड़ना नहीं आ रहा ना, अभी उनकी ट्रेनिंग नहीं है बिल्कुल। ये देखे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये छत पे बैठ गया, ये यहाँ से उड़ेगा तो आ जाएगा इंशाल्लाह घर। मतलब सियाना किसी के जाल पे नहीं पाँव लगाया, बड़ी बात है, घर ही आ जाएगा। और एक बच्चा ये सामने बैठा है, आपको अगर नजर आ रहा होगा, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें ये छत पे सामने, ये यहाँ से उड़ के वापिस आ जाएगा। और दो ये हो गए, तीन चार पाँच छः आठ, एक ही उड़ा है सात, और एक बच्चा और गायब है, वो आसमान में चला गया कहीं, उसको भी देखते हैं वो कहाँ पे है क्या है, वो उल्टियाँ कर रहा है बच्चा, देख लें क्योंकि भूखे हैं और उल्टियां कर रहे हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो अभी देखते हैं। तो एक जो अभी रह गया उसको भी देखते हैं वो किधर गया, अगर वो आ गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है फिर। चलिए मैं अब आपसे जो है इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग की वीडियो में।